इन दोनों हवालात में दो खास बातें लिखी हुई। मकाशवा में 21वें बाब के 5वीं आयत में लिखा है कि जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। निकोदिमस से जब खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर, तो नए सिरे से पैदा होने से यह मुराद भी है नया बनना, नई पदाइश हासिल करना, नई जिंदगी हासिल करना। कल हम बात कर रहे थे कि हम ऐसे बेबस इंसान हैं कि अगर हमारे अंदर इरादा भी मौजूद हो, हमारे हम नियत भी बांध लें कि हम बुराई नहीं करेंगे, हम गुनाह नहीं करेंगे, तो हमें पौलुस रसूल के इन अल्फाज में इकरार करना पड़ता है कि हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी, जो बदी मैं नहीं करना चाहता वही मेरे से होती है, नेक काम मुझसे बनने पड़ते, हाय मैं कैसा कमबख्त हूं, कौन मुझे इस गुनाह के बंध से छुड़ाएगा। तो मतलब यह है कि हम चाह अपने अंदर रख सकते हैं, हम फैसला कर सकते हैं, हम कमर बांध सकते हैं, इरादा कर सकते हैं कि हम नेक बन जाएंगे, हम गुनाह से बुराई से हम अपने आप को बचा लेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि मसीह यीशु ने कहा था कि मुझसे जुदा होकर तुम, यानी जिंदगी के हर मामले में हम खुदा की क्या है, मोहताज है, हमें खुदा की जरूरत है, हम हेल्पलेस है, हम बेबस हैं, जब तक खुदा हमारा हाथ ना पकड़े, हमारा साथ ना दे, हमारी मदद ना करे, हम वो काम कर नहीं सकते जो काम हमारे पास से बाहर है, और उन कामों में से नए सिरे से पैदा होना भी है। हम अपने आप नए सिरे से पैदा नहीं हो सकते कि खुदा ने निकोदिमस से कहा था कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है, हम अजगुद नए सिरे से पैदा नहीं हो सकते, लेकिन हम नए सिरे से पैदा होने के लिए खुदावन के मोहताज हैं, और खुदावन का दावा यह है कि दे मैं हर चीज को क्या बना देता हूं, यानी हमें अगर कोई बदल सकता है, नया बना सकता है, नई जिंदगी हमें दे सकता है, नया जीवन दे सकता है, तो वो खुदावन ही है जिसने ये दावा किया है कि दे मैं हर एक चीज को नया बना देता हूं। करंथस की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का दूसरा खत 5वां बाब उसकी 17वीं आयत में हमने पढ़ा कि जो मसीह यीशु में है, अगर कोई मसीह यीशु में है तो वो नया मखलूक है, और उस नए मखलूक होने का सबूत ये है, आगे लिखा है उसका सबूत आगे लिखा है, और वो क्या है कि पुरानी चीजें जाती रही, और रिकॉर्ड बड़ा खास लफ्ज़ लिखा है, और वो क्या है, वहां लिखा है देखो पुरानी चीजें जाती रही, आगे लिखा देखो वो पुरानी चीजें, देखो वो नहीं हो गई। जब किसी शख्स की जिंदगी बदलती है उसको कहना नहीं पड़ता कि देखो मेरी जिंदगी बदल गई, दुनिया को देख ले, जब हम नए बन जाएंगे, हम नए सिरे से पैदा हो जाएंगे, तो किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं है कि अब आप नए सिरे से पैदा हो गए, आप आपकी मान रखे, नहीं बताने की जरूरत नहीं, वो खुद ही दिखाई देगा। इसलिए कि अगर कोई मसीह यीशु में है तो नया मखलूक है, देखो पुरानी चीजें जाती है। मुबारक वो शख्स है जो तौबा करके खुदा से नई जिंदगी लेके और वो नई जिंदगी बसर करके दुनिया को दिखाता है, और दुनिया उसकी गवाह बनती है कि हम इस शख्स की पुरानी जिंदगी से भी वाकिफ हैं, लेकिन जब से इसने कलाम को कबूल किया है, इसने कलाम के मुताबिक समझ कर तौबा की है, इसकी जिंदगी बदल गई है, क्योंकि खुदावंद ही है जो हर चीज को नया बना देता है। तो कौन कौन सी चीज़ों को नया बना देता है, उन्हीं का जिक्र मैं आज शाम करूँगा। अगर उन चीज़ों में हम नए बन गए हैं तो यही इस बात का सबूत होगा कि हमें नए सिरे से पैदा होने का तजर्बा हो गया है,
और हम खुदा का शुक्र बजा ला सकते हैं। इससे बेशतर कि मैं इन बातों का जिक्र करूँ, एक और बड़ी बात मैं करना चाहता हूँ और वक्त बचाने की खातर सवाला नहीं पड़ूंगा, सवाली बोलता हूँ। पत्रस के खत में लिखा है कि उस पर ईमान लाकर तुम ऐसी खुशी मनाते हो जो जलाल से भरी और बयान से। याद रखिए, जब कोई शख्स नए सिरे से पैदा होता है, बाकी बातें भी मैं बताऊंगा कलाम में से, लेकिन जो बात मैं बताए बगैर रह नहीं सकता वो ये है कि जब कोई शख्स खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दिलाना कबूल करता है और वो नए सिरे से पैदा होने के लिए उसके कदमों में गिर जाता है और वो हकीकी तौबा करता है और खुदा उसकी तौबा को कबूल कर लेता है, और जब उसे नए सिरे से पैदा होने का तजर्बा होता है, ऐसे लोगों के पांव खुशी से जमीन पर नहीं लगते। ये वो खुशी होती है ना तो ये शादी करने से मिलती है, ना कोई बड़ी अच्छी कोई नौकरी मिल जाने से ये खुशी मिलती है, ये जलाल से भरी है और बयान से। उस पर ईमान लाकर तुम ऐसी खुशी मनाते हो जो जलाल से भरी और बयान से, जिसका पहले कभी मजा नहीं चखा होगा, और ऐसे लोग खुशी से भरकर अपने नए जीवन की वो गवाही देते हैं कि खुदा जब से मेरी जिंदगी में आया उस वक्त से मेरी जिंदगी में खुशी है, मेरी जिंदगी में सुकून है, मेरी जिंदगी में चार पैसे ना भी हो मैं इस बात की परवाह नहीं करता, परवाह नहीं करती, क्योंकि मेरी जिंदगी में यीशु आ गया है, उसकी निजात आ गई है, उसकी खुशी आ गई है। और अगर ये खुशी का पैकेज जो है ये हमें नहीं मिलता तो फिर हमारी निजात पर शक है, अभी हमें निजात नहीं मिली है, क्योंकि इस पैकेज के साथ ये आती है इतनी ज्यादा कि ध्यान से क्या है बाहर। अब जबकि क्रंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए बुजुर्ग पौलुस रसूल ये कहते हैं कि अगर तुम मसीह यीशु में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें देखो, पुरानी चीजें। सवाल ये है कि पुरानी चीजें कौन सी हैं जो नए सिरे से पैदा होने के नतीजे में वो जाती रहती हैं और उनकी जगह और चीजें जगह ले लेती हैं, और अगर पुरानी चीजें हमारी जिंदगी से जा चुकी हो तो फिर नई चीजें भी आएंगी पर वो ही हमारे नए सिरे से पैदा होने का सबूत। जब कोई शख्स नए सिरे से पैदा होता है, तौबा करता है और खुदा उसकी तौबा से कायल हो जाता है कि ये शख्स मुखलस है, ये इसके अंदर खुदा परस्ती का गम है, ये अपने किए हुए गुनाहों पर हकीकी मन में शर्मसार है, पश्चिमान है, और खुदा उसकी तौबा को कबूल करता है, तो सबसे पहला खुदा का काम इंसान के दिल से शुरू होता है। इंसान के दिल से शुरू होता है, जहां तक इंसान का दिल है, इसके बारे में यरमिया नबी के सहीफे के 17 बाद के 9 आयत में लिखा है कि दिल सब चीजों से ज्यादा हीले बाज और लालाज है। खुदा यीशु मसीह ने यह कहा था कि दिल ही से बुरे ख्याल निकलते, हर तरह की बुरी सोचें, इरादे, सारी बुराई जो है ये दिल से निकलती है। यरमिया नबी ने भी ये कहा था कि ये हीले बाज है, मकार है, ये लालाज है। मसीह ने यह भी कहा था कि जो दिल में भरा है वही जबान पर आता है। इसी के बाद में फकीर और फरीसियों से बातचीत करते हुए खुदा ने कहा था कि अंदर की चीजों को क्या कर दो, खराब कर दो, छोड़ दो, ऊपर से सफेदी फिरी हुई कब्रें, ऊपर से आसपास ने दिखाई देने की कोशिश करते हो, अंदर मुर्दा हड्डियों की बदबू है, अंदर से तुम दुरुस्त नहीं हो, अंदर से अपने आप को साफ करो। आए ध्यान करो, तुम प्याले और काफी को बाहर से साफ करते हो, अंदर से प्लीज है ना मा? तो हमारा खुदा अंधे का खुदा, जिस पर हमारा ईमान है, वो जाहिर पर नहीं जाता कि जाहिर तौर पर कोई शख्स कितना रूहानी नजर आता है, कितना मजबी नजर आता है, कितनी वो अच्छी रूहानी मामलात पर गुफ्तगू कर सकता है,
या अजहारे राय कर सकता है या सवालात के जो जवाब दे सकता है। खुदा का वास्ता हमारे इनर बीइंग के साथ है, अंदर से हम कैसे हैं। इसलिए दुनिया के दरां पर बादशाह ने कहा था, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सन चश्मा। तो जब कोई शख्स तौबा करता है तो सबसे पहले जो सर्जरी होती है, स्पिरिचुअल सर्जरी होती है, वो हार्ट की होती है। इसलिए हिज़कियेल नबी के शरीफ के 36वें बाब में खुदा ने वादा किया था कि मैं तुम्हारे अंदर से संगीन दिल, सख्त दिल, जो इंसान को मगरूर बनाता है, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर जैसा संगीन दिल निकाल दूंगा और मैं तुम्हें क्या दे दूंगा, होश की नींद दे। इसराइल का पहला बादशाह जब मुकर्रर किया गया तो उसको कहा गया कि जब तू वापस जाएगा खुदा की रूह तेरे ऊपर नाज़िल होगी और तू बदल कर और तरह के आदमी हो जाएगा, तेरा दिल बदल जाएगा। जिस शख्स का दिल नहीं बदलता, जिस शख्स के अंदर से संगीन दिल निकलता नहीं, जिसका जिसको खुदा की तरफ से नया दिल नहीं मिलता है, वो तो कभी भी नए सिरे से पैदा हुआ हुआ शख्स नहीं हो सकता है। सबसे पहले खुदा ये दिल जो मकार है, जो चालबाज है, जो लालच है, जो गुनाह की बीमारियों के और ख्वाहिशात के तबाह थे बीमार है, खुदा सबसे पहले हमारे दिल को बदलता है, हमारे दिलों को बदलता है। जब दिल बदल जाते हैं तो बदले हुए दिल को इंसान के किरदार से, उसकी सारी जिंदगी से देखा जा सकता है, क्योंकि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। रूमियों के खत के 8वें बाब की 15वीं आयत में पौलुस रसूल ये कहते हैं कि मसीह पर ईमान लाने के नतीजे में हमें गुलामी की रूह नहीं मिली, क्योंकि मसीह पहले कह चुके थे कि जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। तो पौलुस रसूल ये कह रहे हैं कि हमें गुलामी की रूह नहीं मिली, बल्कि हमें कुदरत की रूह मिली है, या ठीक अल्फाज में करूं तो वहां लिखा है ले पालन होने की, अडॉप्टेड सन्स। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई शख्स नए सिरे से पैदा होता है, सबसे पहला काम तो उसके दिल की तब्दीली है कि खुदा अंदर से इंसान को पाक और साफ करके नया इंसान बना देते हैं। फिर खुदावन ने यह भी कहा था कि मैं तुम्हारे अंदर नई रूह डालूंगा। तो खुदा दिल को भी बदलता है और खुदा इंसान की रूह को भी बदलता है। जो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ उसके अंदर गुलामी की रूह है। किस चीज की गुलामी की रूह? गुनाह की गुलामी की रूह, ख्वाहिशात की गुलामी की रूह, रवायात की गुलामी की रूह, इंसानों की गुलामी की रूह उसके अंदर है। लेकिन जब खुदा अपने रूह का काम किसी शख्स के अंदर करता है तो जहां खुदा उस इंसान का दिल बदलता है वहां खुदा उसके उसके अंदर एक नई रूह डाल देता है, उसकी रूह को भी बदल देता है। क्योंकि जब इंसान गुनाह करता है तो उसका उसकी रूह मरती है, उसका जिस्म नहीं मरता। आपको याद है कि आदम से खुदा ने कहा था कि जिस रोज तूने इस दरख्त का फल खाया तू मरा, तो जिस्मानी तौर पर फल खाने के बावजूद भी वो जिंदा था, लेकिन उसकी डेथ कौन सी हुई थी? स्पिरिचुअल डेथ हुई थी, यानी उसकी रूह मर गई थी। तो इफ़्सियों के बाद के दूसरे बाब की तदाई आयात पढ़े तो वहां लिखा है उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने गुनाहों और कसूरों के अतबार से क्या थे, मुर्दा थे। तो खुदा का शुक्र हो कि जब कोई शख्स सच्ची तौबा करता है, कलाम के मुताबिक तौबा करता है, तो उसके नतीजे में सबसे पहले खुदा इंसान का दिल बदलता है और फिर खुदा उसकी रूह को बदलता है। और तीसरी चीज जो खुदा बदलता है वो इंसान की अकल है।
पौलुस रसूल को इस बात का तजर्बा हुआ और उसने रूमियों को खत लिखते हुए कहा, उसने कहा कि मैं अपने दिल से तो खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता, मुझे अच्छा लगता है खुदा की तालीम, खुदा का कलाम, मैं दिल से खुदा की राह पर चलना चाहता हूँ, लेकिन एक और तरह की शरीयत है जो मेरी अक्ल की शरीयत के साथ लड़कर तो मुझे अपना महबूब बना लेती है, गुलाम बना लेती है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में पस मंजर में उसने कहा था, हाय मैं ऐसा करवाता आदमी हूँ कौन है जो मुझे इस गुनाह के बंध से छुड़ाएगा। फिर उसने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा यीशु मसीह का जिसने मुझे मौत से निकाल कर जिंदगी में जो मुझे ले आया। तो अक्ल जो है, इस अक्ल के बारे में तिमोथियुस को खत लिखते हुए पौलुस रसूल ने कहा था, कुछ लोगों के बारे में उसने कहा कि उनकी अक्ल जो है वो बिगड़ी हुई है, उनकी अक्ल बिगड़ी हुई है। तीतुस के खत के पहले बाब के 15वीं आयत में लिखा है, उनका उनकी अक्ल और दिल दोनों गुनाह का होता है, पलीद है, अक्ल भी पलीद है, दिल भी पलीद है। तो जब खुदा किसी को निजात देता है, नए सिरे से पैदा होने का तजर्बा देता है, ले बालक यानी अपना ले बालक बेटा होने का दर्जा देता है, तो खुदा जहां इंसान का दिल बदलता है, जहां खुदा इंसान के अंदर एक नई रूह डाल देता है, और वहां खुदा इंसान की अक्ल भी बदलता है। इसलिए रूमियों के खत के 12वें बाब की 2वीं आयत में लिखा है कि इस जहान के हम शक्ल, आगे क्या लिखा है, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने के सबब से अपनी सूरत बदलते जाओ। तो जिस शख्स की अक्ल नहीं बदली है वो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, वो धोखे में ना रहे, क्योंकि जब खुदा के रूह का ताकतवर काम खुदा के फजल की बख्श के तौर पर हमारे अंदर होता है, तो खुदा हमारी ज़हनियत बदल देता है, खुदा हमारी थॉट लाइफ बदल देता है, हमारी सोच के धारे बदल जाते हैं, अक्ल नहीं हो जाती, हमें दुनिया एक नए नुक्ता नजर से दिखाई देने लगती है, क्योंकि खुदा रूह के वसीले से अपने कलाम की कुदरत के वसीले से अपनी अलाही मुदाखलत के वसीले से खुदा हमारी उस गंदी नापाक पलीद गुनाह आलूदा अक्ल को छू कर वो बदल देता है। और हमारी अक्ल नहीं जब हो जाती है तो फिर इंसान की गुफ्तगू भी बदलती है, क्योंकि जो कुछ दिल में भरा वही जबान पर आता है। अगर हमारा दिल भी नया नहीं बना, खुदा में कहते हैं कि देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं, पौलुस रसूल कहते हैं कि अगर तुम मसीह यीशु में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज है, यानी पुराना दिल बदल गया, नया दिल मिल गया, पुरानी रूह इंसान में से निकल के उसको नई रूह खुदा ने दे दी है, उसकी पुरानी अकल पुरानी मंसूबे अरादे खुदा ने बदल कर उसको नई अकल दे दी है। ये बड़ा खुदा की फजल की बख्शिश का एक बड़ा तजर्बा है जो नए सिरे से पैदा होने वाले शख्स को मसीह के कफारे पर ईमान लाने के नतीजे में होता है, कि इंसान को नया दिल मिलता है, उसे नई रूह मिलती है और उसकी अक्ल नई हो जाती है। फिर एक और बात जो बड़ी आम है, इंसान का मालिक या आका बदल जाता है, खुदावन बदल जाता है। जो शख्स नए सिरे से पैदा नहीं हुआ उसके अंदर तारीकी की कुवतें काम करती हैं। कल हम जिक्र कर रहे थे यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील के 8वें बाब में से कि खुदावन यीशु मसीह ने उन यहूदियों से जो मसीह के साथ बहस कर रहे थे और उसकी तालीम के मुकाबले में वो अपने जवाब पेश कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हम तो किसी के गुलाम नहीं रहे, हम तो इब्राहिम के बेटे, हम तो खुदा के बेटे। और मसीह ने साफ ने कहा तुम अपने बाप अब्लीस से, वो समझ रहे हम यहोवा खुदा के बेटे हैं,
हम इब्राहिम के बेटे हैं। खुदा ने कह रहा है तुम आपके बाप अबलीस। तो आका का बदलना, नए सिरे से पैदा होने वाला शख्स, तौबा करने वाला शख्स इकरार करे कि यीशु ही क्या है, खुदा है, अब मेरी जिंदगी का वही मालिक है, मेरी जिंदगी का स्टेरिंग उसके हाथ में, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो दिल भी बदलता है, खुदा नई रूह भी देता है, नई अकल भी देता है, और एक नया आपका यानी यीशु को हम अपना खुदावन आपका और मालिक बादशाह और हाकिम हम मान लेते हैं, और अपने दिल के तख्त पर हम उसको क्या कर लेते हैं, बैठा लेते हैं, उससे एहतराम डरते भी हैं, उसकी मौजूदगी के सबब से हम इज्जत भी करते हैं, जैसे हम अपने किसी बुजुर्ग के सामने कई ऐसे काम नहीं करते कि पापा बैठे हुए हैं, डैडी बैठे हुए हैं। इसी तरह से जब दिल के तख्त पर खुदा को बैठा दिया जाता है, एक नया आका अपने तख्त अपने हमारे दिल के तख्त पर जो उसकी जगह है बैठ जाता है, तो ये भी नए सिरे से पैदा होने का सबूत है। एक बड़ी दिलचस्प बात देखिए इसमें, सैमुअल की पहली किताब के 30वें पाठ, ये वो वक्त था जब दाऊद खुदा की तरफ से समूएल नबी के वसीले से इसराइल का सऊल के बाद होने वाला बादशाह मसा हो चुका था, लेकिन अभी खुदा का वक्त नहीं आया था, वो अपने ससुर और उस वक्त के बादशाह सऊल के गजब से वो बेचारा छुपता फिरता था। वो अपने बीवी बच्चों के साथ एक गांव था जिसका नाम था सकलाज, तो वो अपने बीवी बच्चों और अपने उसके साथ जो 400 मर्द थे वो उनके साथ उस गांव में रहता था। तो जब ये मर्द गांव से बाहर हैं तो अमालेकियों ने आके, अमालेकी एक गांव थी, उन्होंने आके इनके गांव पर हमला करके इनके गांव को जला दिया और उनके माल मवेशियों को बीवी बच्चों को वो जंगी कैदी बनाकर असीर करके ले गए। जब दाऊद उसके साथी आए, और से सुनिए सच्चाई सीखने वाली है, जब दाऊद उसके साथी वापस आए तो दूर ही उन्होंने अपने गांव सकलाज को देखा, तो वहां से धुआं उठ रहा है। जब करीब आए हर शहर चल गई है और बीवी बच्चे नहीं है और तमाम मर्द फूट फूट कर रो रहे थे, ये हमारे साथ क्या हो गया, अब सोच रहे थे कि कौन से दुश्मन ने हमला किया है। तो लिखा है कि उनको बियाबान में एक मिस्री मिल गया, एक आदमी था मिस्री और वो बेहोश पड़ा हुआ बियाबान में। इन्होंने क्या किया, उसके मुंह में थोड़ी सी मैं या पानी डाला और अंजीर की टिकिया उसके मुंह में डाली, लिखा जब उसने खाया तो उसको होश आया। इन्होंने उससे पूछा कि तू कौन है, उसने कहा कि मैं एक अमालेकी का मुलाजम हूँ, नौकर हूँ, मुझे 3-4 दिन से बुखार चढ़ रहा था तो मेरा आका जो है वो मुझे छोड़कर चला गया। तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या तू हमें बता सकता है कि हमारे गांव पे हमला किसने किया था और हमला अगर कहाँ गए। उसने कहा कि मैं एक शर्त पर आपको बता सकता हूँ, एक तो आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे कसम खाएं कि आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे, दूसरा मेरे आका के हवाले नहीं करेंगे। उसको समझ आ गई कि मैंने सारी उम्र अपने आका की खिदमत की है, सिर्फ 4 दिन हुए मुझे या 3 दिन लिखे शुरुआत है कि 3 दिन हुए मुझे बुखार चढ़ा है, तो ये नौकर अपने अमालिक की मालिक की साल हर साल से खिदमत करता रहा है, सिर्फ 3 दिन इसको बुखार चढ़ा है, तो वो एक रद्दी कागज की तरह इस इंसान को बीमार छोड़कर आका छोड़ गया है। अब इसको समझ आ गई है कि मुझे इस आका की खिदमत और गुलामी नहीं करनी है, मैं इस आका के पास जाना नहीं चाहता। बहनों भाइयों, जिस शख्स ने तौबा नहीं की है, जो शख्स नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, उसका आका अबलीस है, और अबलीस कितना भी खैरखा बनकर हमें नजर आए, वो सांप की तरह हमें फंसेगा, नुकसान पहुंचाएगा,
वो मुसीबत में हमारी कभी भी मदद नहीं करेगा, बल्कि हमारे लिए मुसीबतें पैदा करेगा। लिहाजा जो शख्स नए सिरे से पैदा होता है या होना चाहता है, जब उसको खुदा कबूल कर लेता है तो फिर उसका आका भी बदलता है। खुदा यीशु कभी हम गीत गा रहे थे ना, वो कभी भी नहीं छोड़े, और उन्होंने कहा दुनिया में मुसीबत उठाते हो खातिर जमा रखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे उसकी वफादारी पर किसी को शक है नहीं, उसकी वफादारी पे हमें कोई शक नहीं है। आप जैसे वो बुजुर्ग वो खुदाम वो मुहसिन जिन्होंने अपना आका बदला और जब से बदला है वो इस बात को समझ रहे होंगे कि हम यीशु मसीह को अपना खुदाम तस्लीम करके आज के दिन तक शुक्रगुजारी करते हैं, पछताते नहीं हैं कि हमने क्यों खुदाम को कबूल कर लिया, क्योंकि उससे बेहतर खुदाम, उससे बेहतर आपा, उससे बेहतर मालक नहीं है। तो जब वो शख्स नए सिरे से पैदा होता है तो जहाँ उसका दिल बदलता है, जहाँ उसकी रूह बदलती है, जहाँ खुदा उसकी अक्ल नहीं कर देता है, वहाँ उसका आका भी बदलता है। वो खुदा यीशु मसीह जो हलीम और दिल का फरोख्त है, जो अब्रानियों के खत के मुताबिक हमारा हमदर्द, हमारा हमदर्द सरदार का है, वो हमारी से वाकिफ है, जिसने कहा था कि मैं कुर्बानी नहीं रहम करना पसंद करता हूँ, जिसने सबूत भी जिसके सामने मुहैया कर दिया या एक औरत की जिनाकारी का, तो फिर भी उसने कहा क्या है बेटी क्या मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, आइंदा गुनाह ना करना। ये वो हस्ती है, ये वो प्यारा आपका है जो हमें मिल जाता है, और जिसको मिल जाता है वो फिर उसको छोड़ता नहीं है, उस पर फख्र करता है, उसमें खुशी मनाता है, और वो उसकी क़यादत में अपना ज़मीनी ज़िंदगी का सफ़र जारी रखता है। तो जिस शख्स का आका भी नहीं बनता है तो वो कैसे नए सिरे से पैदा हो सकता है? जो नए सिरे से पैदा हुआ है उसकी ज़िंदगी में लॉर्डशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट मसीह की जो खुदाबंदियत है, उसका जो इख्तियार है उसकी ज़िंदगी में, उसके फैसला जात में, उसकी चॉइसेस में, उसके चुनाव में और दिलचस्पियों में, सरगर्मियों में, हर चीज़ में आप देख सकते हैं कि वो किसी आका के तात्या है। ये वो है जिसको हम अपने दिल के तख्त पर बैठाते हैं, जब हम अपनी कमाई का एहतराफ करते हैं, अपने गुनाहों को मानते हैं और खुदा के हुजूर वावेला करते हैं, पछताते हैं, शर्मसार होते हैं अपने गुनाहों पर, और उससे कहते हैं कि एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दे और मैं फिर तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँगा। खुदावन उस इकरार को देख कर सुनकर तो खुदावन हमें कबूल कर लेते हैं। लिहाजा आका का बदलना, मैंने आपको बताया पिछले दिनों मुझे 28 मार्च 1977 को ये आका मिल गया, मुझे अपना आप भी खर्च करना पड़े तो मैं कभी पाकिस्तान में इस आका के लिए खर्च हो जाऊँगा। आप भी हो जाए, आप भी हो जाए, क्योंकि आपने उसकी कदर पहचानी है, आपने उसका सलूक देखा है, आपने उसकी हमदर्दी देखी है, आपने उसके मेहरबान होना, रहीम होना आपने और मैंने जाना है। इस आका के बाद अब हमें किसी और आका की तलाश नहीं। में मैंने पाया है मोती लाखों है उस जैसा, उसी की खातर हमारे बुजुर्गों ने जाने दिए, शहीद हुए कि वो इस आका का इनकार नहीं कर सकते। सो आका भी बदलता है। फिर एक और चीज जो बदलती है वो है कि रफाकत बदलती है, रफाकत बदलती है, एक नई रफाकत, यानी खुदा के खानदान में, एक नए खानदान में खुदा नए से पैदा हुए हुए शख्स को दाखिल कर देता है, उस नए खानदान को कलीसिया कहते हैं।
उसके बाद के आखिरी आयत में पढ़ते हैं, लिखा जो निजात पाते जाते थे खुदा हर रोज उनको उनमें क्या कर देता था, शामिल कर देता था नया खाना। फिर लिखा कि इफिसियों के खत में लिखा कि अब तुम मुसाफर और परदेसी नहीं रहे, मुसाफर और परदेसी नहीं रहे, अब हम खुदा के घराने के हो गए, हम मुकद्दसों के हम वतन हो गए, नई फेलोशिप मिल गई। शायद आप मेरे साथ मुतफिक हों कि अगर कोई सही मनों में इस बात को समझे तो रूहानी रिश्तेदारी जिस्मानी रिश्तेदारी से और अजीम है, उत्तम है। ये सच्चाई पर मबनी है, ये सच्चाई पर मबनी है कि कलीसिया में रहते हुए हम एक दूसरे के बहन भाई हैं, खूनी रिश्तेदारों से भी बढ़कर हैं, क्योंकि हम खुदा से पैदा हुए हैं, हम खुदा के लिए बालक देते बेटियाँ हैं, हम कलाम से पैदा हुए हैं, हम खुदा के खानदान और उसकी कलीसिया का हिस्सा हैं। इसलिए दूसरे ग्रंथों के खत के छठे बाब की 16वीं और 17वीं आयत बड़ी है, वहाँ लिखा है उनमें से निकला, उनमें से निकला पुरानी रफाकत, बुरी सोचते अच्छी आदतों को, ऐसी दोस्तियां, ऐसी महफिलें, ऐसी रफाकतें और ऐसी बिदती तालीमात और जमातें, उनमें से निकला तो मैं तुम्हें कबूल करूंगा, नापाक चीज को ना छुओ, उनमें से निकला नापाक चीज को ना छुओ तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा, रब्बुल आलमीन। तो खुदा जब किसी को नए सिरे से पैदा होने का तजर्बा देता है तो फिर रफाकत भी बदलती है। मुसरफ बेटा जब था, जब वो उसने तौबा की तो फिर वो सूर की फलियां थोड़ी था, वो बाप के घर से थोड़ी दूर था, उसने तो कहा कि मैं उठ कर अपने बाप के पास जाऊंगा और मैं उसे कहूंगा कि मैं आसमान की ओर तेरी इब्तिदा में गुनाहगार ठहरा, अब इस लायक नहीं रहा कि मैं फिर से तेरा बेटा कहलाऊं। वापस अपने उस खानदान को जिसको छोड़कर मर्जी से चला गया था, ठीक है, समझ रहा था कि मैंने बहुत बड़ा माल कमाया, अपना माल मता लेकर चला गया था, आप पछता कर उसी खानदान में आया, बागे अदन में आदम को वरगला कर अबलीस ने खुदा के खानदान से, खुदा की हजूरी से उसको बाहर निकाल दिया। ये दूसरा आदम है खुदा यीशु मसीह, जिसके कफारे पर ईमान लाने के वसीले से हम आवारा मुस्तफ बेटों की मानद हम वापस आ सकते हैं, हम खुदा के खानदान में शामिल हो सकते हैं और हमारी रफाकत भी बदलती है जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं। फिर पुरानी इंसानियत जिसके बारे में इफिसियों के खत के 4वें बाब में 17वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक पढ़ा जाए तो वहां लिखा है कि जो पुरानी इंसानियत है, लिखा है वो फरेब की शहवतों से, पुरानी इंसानियत फरेब की शहवतों से खराब होती जाती है, डके की तरफ जा रही है, बर्बाद हो रही है पुरानी इंसानियत। लेकिन जब कोई शख्स नए सिरे से पैदा होता है, जैसे लिखा है कि अगर मसीह यीशु में है तो पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो वो नए हो गए, तो इसका मतलब है पुरानी इंसानियत भी जाती रहती है, जैसे गंदा बदबूदार लिबास उतार दिया जाता है, गुस्ल करके साफ सुथरा लिबास पहना जाता है, इसी तरह से पुरानी इंसानियत का लिबास जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो वो खुदा उतार कर, पुरानी इंसानियत उतार कर जो फ्रेम की शवलों से बुरी ख्वाहिशात के सबब से बर्बाद होती जाती, इंसान बर्बादी की तरफ जाता है, खुदावन नई इंसानियत पहनाता है और नई जो इंसानियत पहनाई जाती है उसकी 3 खसूसियात इफिसियों के खत के 4वें बाब की 24वीं आयत में लिखी है। नई इंसानियत की 3 खसूसियात वो क्या है, नंबर 1 सच्चाई, नंबर 2 रास्तबाजी, नंबर 3 पाकीज़गी। पुरानी इंसानियत में बदबू है, गंदगी है, नापाकी है, पुलीदगी है, शहवत परस्ती है, बुरी ख्वाहिशात है, लेकिन जब नए सिरे से पैदा हुए तो खुदा ने नई इंसानियत देकर साथ ही हमारे अंदर पाक दिल कर
पाकीज़ा जिंदगी दे दी है, नई जिंदगी मिल गई है ना, नए आसमान में आने जाना है, नई जमीन में आने जाना है, खुदा के पास आने जाना है। जिस शख्स के अंदर गुनाह की शदीद बदबू है वो खुदा के पास कैसे जा सकता है? तो पाक, वो पहले पाक करता है, पाकीज़गी देता है, और फिर पुरानी इंसानियत के लोग झूठ बोल के भी अपने काम चला देते हैं। और जो शख्स नए सिरे से पैदा हुआ है वो दगाबाज नहीं होता है यार, वो हेरा फेरी किस्म का ईमानदार नहीं होता है, सच बोलने वाला, सच बोलने की कीमत चुकाने वाला, सच बोलने की कीमत चुकाने वाला। क्योंकि नई इंसानियत की पहचान ये है वो शख्स सच्चाई पर चलने वाला होता है, वो रास बाज होगा, वो शांत की चाल नहीं चलेगा जिधर से मतलब हल होगा उधर होंगे। हाँ, लेकिन रास बाज की इशारा ये है कि वो बदी से भागे, सीधी राह पर चला, ईमान के बारे में काम करने वाले यस्सु को तक एक बेअब बेदाग जिंदगी बसर करे। लोग कहें कि सचमुच ये शख्स खुदा के साथ चलने वाला और रास पास ऐसा ना हो, हमारी हरकतों की वजह से लोगों को इशाकों को पता नहीं ये नए सिरे से पैदा हुआ ही नहीं। तो पुरानी इंसानियत की जगह खुदा नई इंसानियत इंसान को देता है, इंसान सच्चाई से प्यार करने लगता है, सच्चाई को अहमियत देने लगता है, झूठ से नफरत और कराहियत करने लगता है, रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करता है और वो पाकीज़गी की ज़िंदगी बसर करता है। वो दुनिया की रवश पर नहीं चलता, वो जिस्म और अकल के अरादे पूरे नहीं करता, वो जिस्म की ख्वाहिशात की ज़िंदगी बसर नहीं करता। और जैसे तीतस के खत में लिखा कि हम भी पहले जब तक हमें नई इंसानियत नहीं मिली, तो तीतस के खत में लिखा हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले, रंग रंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे, बंदे के बिल्कुल हौसला बदल इसका अंदर गुलाम है, ऐशो इशरत के गुलाम, बदरवाही हसर में जिंदगी गुजारते, नफरत के लाए और लिखा आपस में कीना रखते थे। कब? जब हमें हमारी इंसानियत पुरानी थी, जब नहीं हो गई तो फिर हम किसी अपने भाई के लिए कीना नहीं रख सकते, नाराजगी नहीं रख सकते। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा, मैं कभी इसके साथ सुलह नहीं करूंगा। वो सख्त लोगों का काम है जिनके अंदर संगीन दे रहा है खुदा के लोग नरम दे रहे हैं, वो बड़े से बड़े बुरे सलूक को भी बर्दाश्त कर देते हैं खुदा की खातर, उसकी तालीम की खातर वो माफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सुलझने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो जो जिसको नई इंसानियत नहीं मिली है, ये सारी बातें जो यहाँ गनवाई गई हैं वो उसकी जिंदगी में देखी जाएंगी। कीना है, मुकाबलाबाजी है, नादानी है, नफरत है, फ्रेब है, तरह तरह की ख्वाहिशात हैं, हसरत है, नफरत है। इस टाइप की जिंदगी अगर मेरी हो तो किसी को कहने की जरूरत नहीं, मुझे खुद ही जान लेना चाहिए कि अभी मुझे नई इंसानियत नहीं मिली और मुझे नई इंसानियत पहनने की ज़रूरत है, और पहनाने वाला वही मसीह मसलूब है जिसने जिस्म में दुख सहा और हमारे लिए नई जिंदगी का उसने बंदोबस्त किया। जो भी पाना चाहता है उसकी तो दावत आम है, आए मेरे को खाने वालों, गुनाह कर करके कर करके उसके बेग धोज के नीचे चढ़े हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? नई इंसानियत मिलती है जब हम उसका नरम और मुलायम जुआ, उसकी तालीम का हम उठा लेते हैं तो हमारी जानें आराम पाती हैं। फिर पुरानी चीज़ें, ये झगड़े, ये गाली गलौज, ये जुल्म और ये झूठ और ये फ्रेब और ये बदयानती और ये लालच और ये मकर और ये शहवत परस्ती और जिनसी गुनाह और तरह तरह के, ये सब कुछ जैसे सलाब जो है हर चीज़ को बहा के ले जाते हैं, इसी तरह से खुदावन हर तरह की नाराजगी और बदी के फुजले को इंसान से दूर कर देता है। इंसान ब्रांड न्यू इंसान बन जाता है, नया रूप बन जाता है जब उसे नई इंसानियत मिल जाती है। जब ये सब कुछ इंसान को मिल जाता है तो इसको हम दो अल्फाज में
बयान कर सकते हैं और वो है नई जिंदगी। रोमियों का जो छठा भाग है जिसमें बपतिस्मे की तालीम दी गई है, किस तरह से बपतिस्मा मसीह में शामिल होने की मुशावरत है, मसीह के साथ दफन होने की मुशावरत है। तो अगर कोई शख्स बपतिस्मा लेकर मसीह के साथ दफन होता है तो उसका जो आउटकम है, उसका जो नतीजा है, वो ये है कि वो नई जिंदगी शुरू कर देता है, उसकी ज़िंदगी नई हो जाती है। शराब गई, सिगरेट गए, फ्रॉड गया, हर तरह की बुराई जो कलाम में गुनाह के ज़िम्मे में आती है वो ऐसे जैसे कोई फुसला बहा कर पानी ले जाता है, मसीह के और लोगों की कुदरत से सारी नाराजगी इंसान से दूर हो जाती है और इंसान हल्का फुल्का हो जाता है, वो नया बन जाता है, अक्ल उसकी नई हो गई, दिल उसका नया हो गया, रूह उसको नई मिल गई, नए बहन भाई आप जैसे उसको मिल गए जिनके आप अपने अपने सक्के भूमियों से भी ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ प्यार ले खुदा और मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि हम ले बालक देते हैं। यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है, हम भी खुदा के देते हैं लेकिन लेकर पाले हुए हैं, अडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स हैं, एक बड़ा मुकाम है जो खुदा ने हमें दिया हुआ है। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि कुल से कलीसिया के खत लिखते हुए पहले बाप की 23वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं कि खुशखबरी की उम्मीद को ना छोड़ो, खुशखबरी की उम्मीद को मत छोड़ो, अपने इब्तदाई भरोसे पर आखिरी दम तक क्या रहो, कायम रहो। तो जब कोई शख्स नए सिरे से पैदा होता है तो उसको नई उम्मीद, न्यू होप, नई उम्मीद मिलती है, जैसे नई उम्मीद भी सच्ची उम्मीद भी मुबारक उम्मीद भी और पत्रस के खत में जिंदा उम्मीद भी कहा गया। याद है आपको तसल्लीके की कलीसिया को मौत के बारे में खत लिखते हुए पौलुस ने कहा था कि आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि आप उनकी माने जो ना उम्मीद है वो मर जाए, तो इतना गम ना करो, वो तो ना उम्मीद है, हमारे पास मसीह ने कह दिया हुआ जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए वो क्या रहेगा, जिंदा रहेगा, जो ना उम्मीद है वो बड़े से बड़े गम का मुकाबला नहीं कर पाते, कई दफा इंसान खुदकुशी कर लेते हैं, एक सामना नहीं कर पाते क्योंकि उम्मीद नहीं। जिस शख्स को खुशखबरी की उम्मीद है जो नए सिरे से पैदा होने के बाद मिलती है, वो किसी तरह के भी मुश्किल से मुश्किल हालात में से भी गुजरा हो, वो सलीब के आगे झुक जाता है, उसके पास एक उम्मीद है, उसको पता है मेरा खुदा ना मेरा साथ छोड़ेगा ना मेरा हाथ छोड़ेगा, खुदा मुझे छुड़ाएगा, खुदा मुझे बचाएगा, खुदा मेरे हाथ को दोपहर की तरह रोशन करेगा, खुदा मेरे दुश्मनों पर मुझे सरफराज करेगा, खुदा ऊपर से हाथ बढ़ाकर मेरे हालात की दलदल में से मुझे क्या कर लेगा, निकाल देगा, खुदा मुझे दुश्मन के रहमो करम पर नहीं छोड़ेगा। एक बड़ी उम्मीद है, एक बड़ी उम्मीद है। जिस मुल्क में भी मसीही सताए जाते हैं हजार आसानी को उन्हें सामना करना पड़ता है, उनके पास एक उम्मीद है, उनके पास एक उम्मीद है कि हमारे खुदा ने क्या रखा है। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, हाथ पर जमा रख, मैं दुनिया का गालिब आया हूँ और मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे खुशखबरी की उम्मीद, खुशखबरी की उम्मीद जब खुदा के सुन से आएंगे, नरसिंगा फूका जाएगा, पलक जब हमारे ये पस खाली के बदन जो है वो अपनी जलाली सूरत पर बनाएगा, तो वही बदन जो मसीह के मर्दों में से जी उठने के बाद उसका बदन था ना जलाली, वो बनकर में भी आ जाते थे। तो जब रैप्चर होगा कलीसिया उठाएंगे, खुदा आएंगे, बहनों भाइयों हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो मंजर क्या होगा, कहां कहां से मसीह लबू से लेवे वो एकदम बदल जाएंगे, ये
जिसम चाहता रहेगा, इसकी जगह जलाली बदन मिल जाएगा, हवा में ऊपर से खुदा मुस्लिमों के शोर और फरिश्तों के साथ आरा होगा, नीचे से नीचे से बड़ा हैरान हुआ। मैंने चर्च में आया कराची में, बहुत बड़ा खुदा की फजल से उसका नाम जला। उसके दरवाजे ढूंढा था, बीस अच्छे से दरवाजे लेते थे चर्च में जब आऊंगा, तो कराची में विक्टोरियन डोर्स के नाम पर मुझे एक शोरूम मिल गया। और मैंने देखा कि वहाँ पर शोरूम में बड़ी अच्छी खिड़कियाँ दरवाजे और बड़े यूनिक से थे, फर्क से मुझे लगे। तो मैंने कहा मैं इनसे पूछता हूँ चर्च के लिए दरवाज़ा बनवाना है। जब मैं वहाँ दाखिल हुआ तो जो मालक था कहने भी आइए क्या क्या चाहिए आपको। मैंने कहा मैं दरवाजे देख रहा हूँ, आपका काम बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी खिड़कियाँ, ये बड़े अच्छे दरवाजे आपने लगाए, आपका ऑफिस का जो दरवाजा है मैंने पहली दफ़ा देखा। तो कहने का आपने कहा लगाए। मैंने कहा मैं पादरी मैं चर्च में रहा। तो मैंने वहाँ के मैंने दरवाजे ढूंढा, कहने का दरवाजे को छुड़िया बंद रखा। तो उसने दफ्तर में मुझे बैठा के दरवाज़ा था लॉक कर दिया। तो कहने पहले तो आप मेरी बात सुने। मैंने कहा बताइए क्या बात। कहने की मुझे ख्वाब है, मैंने तीन दफ़ा देखा हो, मैंने आपको बताना। मैंने कहा बताइए क्या बात। कहने लगा कि मैंने ख्वाब देखा है कि एक तबलीगी जलसा हुआ है। मैंने पूछा तो उसमें लोग हैं उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वाज फरमाए और वाज में वो ये कह रहे हैं कि राह हक और जिंदगी मैं ही हूँ और मेरे पीछे चला। तो मैंने सोचा कि अगर ये हुआ तो मैं तो फिर इसका मतलब ईसाई हो जाऊँ। तो मैं बैठा नैन उठा तो मैंने वो वक्त ज़ाहिर कर दिया। फिर कहते मैंने दूसरा ख्वाब देखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे हैं और कुछ लोग उनका वाज सुन रहे, बड़ी भीड़ है, सफेद कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, तो ऐसे जैसे परिंदे उड़ते हैं तो वो आसमान की तरफ जा रहे हैं, तो साथ साथ उनके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी। और मुझे कहते हैं, मैंने पहले भी कहा अब भी कहता, राह और जिंदगी में हम मेरे पीछे हो। कहते हैं कि मैं चूंकि वो आप समझ गए होंगे वो किस ईमान से था पाकिस्तान में, कहने लगा कि ये मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। तीसरी तरफ दफा भी मैंने यही ख्वाब देखा, मैं तो हैरान पर हैरान रह गया। मैंने कहा पत्नी क्या क्रैशी के फिर उसका मैदान तो बड़े साल हो गए। मैंने उसको कहा आपको तो बिशारत हुई है। मैंने कहा आपको बिशारत हुई है, इसको हम कलीसिया का उठाया जाना या लेक्चर कहते हैं, ये तो हमारे बाइबल में लिखा हुआ है कि जब खुदाम यीशु मसीह आएंगे तो लोग बदल जाएंगे, सफ़ेद पोशाक पहनकर वो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। कहने लगा जब से मैंने ख्वाब देखा है तो मुझे बड़ी इस बात का पछतावा है कि मुझे बिशारत हुई थी तो मैंने लबैक नहीं कहा, मैंने उनकी हाँ में हाँ नहीं मनाई। मैंने कहा भी वक्त है, मैंने कहा भी वक्त है, वो कल आज कल के अब तक यकसा है। उसके कलाम में लिखा कि आज भी तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। मैं दरवाज़ा तो चर्च का भूल ही गया। मैंने कहा देखो, और मैंने फिर कहा, मैंने कहा आप कारपेंट्री आपने कहाँ से शुरू की। पहले तो मैं इंग्लैंड में था तो मैंने इंग्लैंड से कारपेंट्री सीखी, तो आगे तो मैंने यहाँ पर तो अपना दुकान खोल ली। मैं तो हैरान कि जैसे मेरे दिनों से खुदाम ने कहा था कि हवा जिधर से आती है और जिधर को चली जाती है तू नहीं जानता, सिर्फ तो उसकी आवाज़ सुनता है, तुझे पता नहीं मिला सकता। इसी तरह से खुदा के काम हैं जो खुदा इंसानी जिंदगियों में करता है। हम बहस बहस करते रहते हैं, हम इंसानी तौर पर चीज़ों को देखते हैं, अंदर ही अंदर हमारे इतने बनते हैं चीज के अंदर और हमारी अपनी फैमिलीज पर अपनी जिंदगियों पर ग्रीसियों के अंदर अंदर ही अंदर खुदा जो कुछ कर रहा है और हो रहा है हमारी दुखों से एक दिन एक अनपढ़ औरत एक अनपढ़ औरत मैं विजिट करता करता गया
तो ब्रदर जी चंगा हो तुम आप मैं तो बड़ी परेशान सारे बड़ी परेशान मैंने कहा क्या हो रहा आपको कहने लगे मैं ख्वाब देखे मुझे जान नहीं छड़ता मैं तुम्हें पूछना मैंने कहा क्या ख्वाब देखा आपने कहने लगी कि बुढ़ी बड़ी भीड़ है दो चिट्टे कपड़े पाए ने लूटे जाते लूटे जाते लूटे जाते हैं एडा मूड एडा मूड खुशखबरी की उम्मीद हमारा खुदा आसमान पर सजा होगा वो हमें लेने के लिए आएगा वो हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए आएगा हम और मानद ना उम्मीद नहीं हम मसीह के साथ हुक्मदारी करने को लेकिन हम मुकद्दस लोग जहान का इंसाफ करेंगे वो फरिश्तों का इंसाफ करेंगे हमारा मतलब है रात का किस वजह से हम नए सिरे से पैदा हुए हम पर खुदा का फजल हुआ खुदा ने हमारा सब कुछ नया बना दिया उसने कहा देख हर एक चीज को नया बना अगर तुम मसीह यीशु में है वो नया पुरानी चीजें जाती नहीं देखो अगर ये चीजें रहना हुई हो नहीं हो चुकी है हमारी जिंदगी में इसमें कोई शक नहीं है कि हम नए सिरे से पैदा हो गए हैं या नहीं अगर ये सब कुछ हमारी जिंदगी में नहीं हुआ हम भले 50 साल तक भी अपने आप को मसीह समझते रहे हमने आसमान की बादशाही में दाखिल होना तो क्या हम तो देख भी नहीं पाए इसीलिए खुदा ने इस हाल में शरा को कहा था तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर आखिरी बात मैं कहूँगा अगर किसी ने ये जानना हो कि उसको निजात मिली है या नहीं मिली अपने बारे में या किसी के बारे में जानना हो तो मेरा एक ही जवाब होगा कि निजात का सबूत हमेशा तब्दील शुदा जिंदगी जकई हराम की कमाई से बड़ा अमीर हुआ और अंदर निजात नहीं थी यीशु को देखने की कोशिश करता था कद छोटा था भीड़ भी थी रास्ते में पेड़ पे चढ़ गए खुदा ने कहा नीचे उतरा वो उसके लिए देखिए कितना बड़ा अज़ाज़ था वो तो सिर्फ एक झलक मसीह की देखना चाहता था जैसे कभी इंद्र की क्वीन की लोग देखना चाहते हैं लेकिन खुदा का कर्म देखिए एक ऐसा शख्स जो रास्तबाजी का बुफर प्यासा है तो सिर्फ मसीह को एक नज़र देखना चाहता है कि वो कौन है और मसीने का नीचे उतरा आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर वह भी जरूर पे लगे तेरे घर जाना जरूर आगे आगे फिर कुछ वाक्या नहीं लिखे लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं कि खुदा ने मसीह ने उसके घर में बैठ के उसको राह निजात बताया होगा जब राह निजात बताया तो सबसे उभरा वो अपना उसके उसके अंदर क्या था पैसे का पैसा खुदा आराम की कमाई नजायज कमाई से दौलत ना जब खुदाम ने बताया ये पैसे मुझे दौलत में ले जाए उसका खुदाम आज से अपना आधा माल और जिसका नाम अब लिया उसको मसीह ने पर क्या कहा सारा जिस घर में माइंड भी बदल गया ठीक है अकल भी नहीं होगी इस आदमी की नया फैसला भी किया रवैया भी नया दौलत के मामले में छोड़ दिया दौलत का प्यार फौरन मसीह ने कहा आज इस घर में मैं चाहता हूँ कि उसकी लाइफ क्या होगी सामने पहले गुनाह छुपा रही है एक बंदे से छुपा रही है मसीह से अब लोगों को जाके बता रही है कि आओ मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवाती जिसकी मेरे छुपी जिंदगी के सारे गुनाह बता चेंज साउल जो था वो आज के तालिबान से कम नहीं था लेकिन दमिश्क की राह पर खुदा ने उसे इस फसह हुए उसकी जिंदगी बदली हुई सारी उम्र उसको पछतावा रहा कि मैं रसूल कहलाने के मैंने खुदा की कलीसिया को सताया हुआ है रसूल कहलाने के लायक लेकिन जब जिंदगी बदली तो फिर कलीसिया को सताया नहीं कलीसिया के लिए अपने खून देने के लिए वो राजी रहा माता रहा
तीसरा दिन है खुदा का कलाम सुनते हुए आज शाम ध्यानदारी से सच्चाई से और संजीदगी से अपने अपने गिरबान में हम झांक कर देखें और जैसे होना के खाते में हमने कहा कि ये बातें तुम्हें तुम्हें यीशु पर की मान लाए वो इसलिए लिखी गई ताकि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। मैंने भले मैंने कल भी कहा था अगर आपको मालूम है कि आप नए सिरे से पैदा हो चुके हैं तो खुदा का शुक्र करना है, जितना भी शुक्र करे उतना ही। और अगर इस कन्वेंशन के दौरान खुदा ने अपने रूह के वसीले से आपको कायल कर लिया है, आप पर सहन कर दिया है कि तुझे भी नेको टीमस की तरह नए सिरे से पैदा होना शुरू, और आप नए सिरे से पैदा होना चाहते हैं, इस कन्वेंशन के दौरान इसके इनकार के नतीजे में खुदा जिंदगी ने हमें एक और मौका दे रहा है। अगर आज हम उसकी आवाज सुने तो अपने दिल को सब ना करें, आज मजाक का दिन है, आज कबूलियत का वक्त है, आज खुदा ने हम पर निगाह की है, खुदा ने हमें इस असीम मुल्क में मौका दिया है कि हम आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए अपने गुनाह की माफी के लिए हम बपतिस्मा मिलें, हम हकीकी तौबा भी करें, मसीह के शागिर्द बन जाएं और उसके रसूल को कायम करें और अपना आप ऐसे ही जैसे जब हदिया उठाया गया था तो जो कुछ खुदा ने हमें तौफीक दी थी वो हमने हदिया की थाली में डाल दिया था। मेरी मैं मसीह मैं आज शाम आपको इल्तमास करता हूँ कि जिस तरह से आपने हदिया थैली में डाल दिया फिर वो आपका ना रहा, आज खुदा की मर्जी की थैली में अपना पैन दीजिए, यीशु को अपना खुदा मान लीजिए। पुकार उठे खुदा मैं कितने साल तक मसीही कहलाऊंगी कहलाऊंगा, मैं आज नए सिरे से पैदा होना चाहता, मैं नए सिरे से पैदा होना चाहता, मैं आज एक दफा सच्ची तौबा करने के लिए आमादा हूं तैयार हूं और मैं अपने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा लेकर तेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं, करना चाहता हूं। मुर्दों में से जी उठने के बाद शरीरों पर सहर होकर यह कहा था जाओ सारी खलक के सामने जीत की मुनादी करो, जो इस मनाली का ईमान ले और वो बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहरा जाएगा। खुदा का एक आम सा कारण होते हुए आज शाम आपको मौका देता हूं, अगर कोई ऐसा शख्स आज शाम इस इबादत में वो समझ रहा है कि खुदा कर मुझे पुकार पुकार कर कह रहा है कि तुम ये भी नए सिरे से पैदा नहीं हुई, तुझे भी नए सिरे से पैदा होना जरूरी है और आप नए सिरे से पैदा होने का तजुर्बा हासिल करना चाहते हैं तो आप अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं ताकि माफी मिल जाए। आपकी आजाद मर्जी आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं, खुदा ने आपको बुलाते हैं, है खुदा को बरकत दे, खुदा ने आपको अपनी कुदरत से छुए, खुदा ने आपको बुलाता है जिंदगी जिंदगी अपनी जिंदगी दो, आसमान की बातचीत को देखो उसमें दाखिल हो, हमेशा की जिंदगी पर कब्जा करो, अपने जीवन खुदा के सपोर्ट करो, गुनाहों की माफी हासिल करो, अक्ल नहीं दे लो दिल में आ दे लो, अपनी रूह को तब्दील करवा लो, नई रूहानियत में आ जाओ, नई इंसानियत को पहन लो, खुदा जबरदस्ती नहीं किसी को देना है, जो चाहता है अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे
कि हम अंधेरे में चलते रहे या अंधेरे में चलना छोड़ दिया आज, ये मतलब नहीं। खुदा मुझे कबूल करे। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि मैं दुआ करूँ, आखिरी बार मैं खुदा की तरफ से आपसे इल्तमास कर रहा हूँ, अगर खुदा का आपको कायम कर रहा है, इन फिर की फसलों सोचे दलाल छोड़ आज तेरी जिंदगी के तब्दील होने का किशान है, तो अपना आप ऐसे ही खुदा के हाथ में दे दो जैसे हमने हस्ते तो फिर खा लिया हजी बाकी काम को रखता है वो कर। दूसरी आज के कानून को देना चाहता हूँ जिन्होंने कभी खुदा का नाम सुनकर तौबा तो की लेकिन पानी का कोते का बपतिस्मा पाप बेटे पाप के नाम से नहीं दिया, खालिस दिल से कित से खुदा का ताल्लुक होना और मसीह के साथ दफन होने की मुशावत हासिल करना, अपने गुनाह की माफ़ी हासिल करने के लिए मसीह का हकीकी शागिर्द बनने के लिए पानी का बपतिस्मा देना किसी डिनोमिनेशन की तालीम नहीं है, यह मसीह के लब मुबारक से दी गई है और हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से। उन फरीसियों की मानत न बने जिन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा ना लेकर खुदा के अरादे को अपनी बात रद्द कर दिया, पूरा ना होने दिया। कोई ऐसी है, कोई ऐसा भाई जो चाहता है कि मैं अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, लेना चाहती हूँ, हमने सिर्फ आपके लिए दुआ कर ली। जिस तरह कभी खुदा ने हमारी ज़िंदगी को बदला था, खुदा आपकी ज़िंदगी को भी इसी तरह से बदले, आप नया बदले, आपके अंदर एक ज़बरदस्त रूहानी तजर्बा खुदा आपको दे के आप लगातार कर कह सके कि मुझे खुदा ने नए सिरे से पैदा होने का तजर्बा दिया, मैं नया मखलूक बन गया, मेरी ज़िंदगी की पुरानी चीज़ें जाती रही हैं, जो नया जीवन मिल गया है और ये खुदा ने खुदा का दिल ने खुदा तेरे रूह जोर से मत जुम्बश करे सारे पतंगों
इन जिंदगियों को खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से छोड़ो। रहमत और भलाई उम्र भर के साथ साथ तेरे पास मेरे पना मिले। दुश्मन इंसान और तरीके की कोई है इनका कुछ भी ना कर सके। अपने को नाम का नाम चाहे तेरा शुक्र जैसे कभी तूने हमारी जिंदगियों को बदला इसी तरह से इनकी जिंदगियों को बदले। नए सिरे से पैदा होने का दो तो खरा गहरा तुझे बने ताकि ने मालूम हो कि आसमान की बादशाही बातों पर मामूल नहीं तेरी कुदरत पर मामूल तेरी कुदरत ने छू ये हल पर हाथ रखकर कभी पीछे मुड़कर देखने वाला ना ये कलाम के मैं सुनने वाले ना हो जो अपने आप को धोखा दे रहे कलाम पर अमल करने वाला रास्तबाज की भूख और प्यास कूट कूट कर उनके दिलों में जला दे रहे ऐसे हमने तेरे कलाम से करा उस पर ईमान लाकर तो मैं सी खुशी मनाते हो जो जलाल से भरी और ज्ञान से उसके दिल को हमारी औकात हमारे मामले खुदा पारा रोशनी हो जाए हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन उस पुलिस का रोशन एक एक ईमानदार रोशन गिरे उनको उठा बहुत ऐसे बहन भाई भी अपने कदमों पर खड़े होते हैं जो समझते हैं कि कभी वो खुदाम के साथ बड़ी वफादारी से चलते रहे हैं लेकिन अब पहले से मोहब्बत उन्होंने छोड़ दी है और वो अस्तर अपना खुदाम को देना चाहे तो आपकी दुआ करें सिरे से शुरू करें खुदाम के साथ एक नए खैर के साथ वफादारी के खैर के साथ अपनी गलतियों खुदाम और गुनाहों को मानते खुदा ने एक बात कर शायद मैंने पहले कबूल किया लेकिन मैं कायम दिया इसकी मैं कायम दिया मैं वो खतरा दिया मेरे से गलतियाँ कभी मैं कर दिया मेरे लायक मेरा बेटा आज एक बार फिर बहाली का मौका खुदा का सदस्य
खड़े हैं सिर्फ दो मिनट के लिए अपने मन को ले खुदा के साथ आते हैं। खुदा ने उसी बात की है हम अपने खुदा से बात करते हैं, हम उसके कर्म के रोष में हम उसका शुक्र करते हैं। वो तरसती जहाँ भी को वो शेर रसूदा वो गिरे हुए वो रूहानी लम्बे को छटका दे वो खांच का फर्ज वो तनखा को खाना खुदा हमें सुखता खुदा हम खुदा हम उसके फैसले उसकी मोहब्बत पर किसी को विश्वास खुदा बाप हम आपका शुक्र है कि आप अपने मुकद्दस हैं। हम अपने आप को और इन तमाम बहन भाइयों को जो हमारे सामने नहीं कुछ जिंदा पाक खुदा के सामने तेरे घर में खड़े हैं तेरे सामने पेश तेरी नजरें करना बदल देखे तुझे जाने तुझे पहचाने तेरे अरफान में बड़े तरक्की करे हर तरह का फर्ज कष्ट से तुझकी जरूरत के माफ तेरी तरफ से हमारे हम तेरे प्यारे तेरे प्यारे आपका